विद्यापीठ के बीएलएलबी के छात्रों ने फूंका वाइस चांसलर और डीन का पुतला। बीएलएलबी के छात्र रौनक जसवाल ने बताया कि आज पुतला फूंका गया है विद्यापीठ के वाइस चांसलर और लॉ फैकल्टी के डीन का, क्योंकि 2019 में हम लोगों का कोर्स स्टार्ट हो गया था जिसका हमने परीक्षा फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस दिया था। एडमिशन लेते समय हम लोगों के मार्कशीट, रिजल्ट, एग्जामिनेशन का फॉर्म, एडमिट कार्ड और काउंसलिंग लेटर पर लिखा था बीएलएलबी ऑनर्स। आज हम लोग 9 सेमेस्टर पास कर चुके हैं और 10वां सेमेस्टर चल रहा है। अब वाइस चांसलर और फैकल्टी के डीन ये बोल रहा है कि आप लोगों का जो कोर्स चल रहा है वो बीएलएलबी ऑनर्स नहीं बल्कि बीएलएलबी रेगुलर कोर्स है। छात्र ने कहा कि ये एक तरफ से हम लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है, झूठ बोलकर बीएलएलबी ऑनर्स के नाम पर पैसा लिया गया है। हम लोगों ने जब एडमिशन लिया था उस समय कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था। बार काउंसलिंग ने ठीक उसी समय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखकर ये सूचना दी थी कि आपके यहाँ बीएलएलबी ऑनर्स की मान्यता नहीं है, इसलिए आप छात्रों को अवगत करा दीजिए कि ये बीएलएलबी का रेगुलर कोर्स है। लेकिन उसके बाद भी यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को अंधेरे में रखा और हम लोगों के साथ फ्रॉड किया। आज पुतला फूका गया है विद्यापीठ के वाइस चांसलर जी का, डीन का। इसलिए फूका गया है कि हम लोग 2019 में विद्यापीठ बीएलएलबी ऑनर्स का कोर्स स्टार्ट हुआ था, हम सारे विद्यार्थियों ने उसका परीक्षा फार्म एंट्रेंस दिया और अपना निकाल के अच्छे नंबरों से पास हुआ थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने विद्यापीठ में एडमिशन लिया। एडमिशन लेते समय हम लोगों को मार्कशीट, रिजल्ट, एग्जामिनेशन का फॉर्म, एडमिट कार्ड, काउंसलिंग लेटर सब पे लिखा था बीएलएलबी ऑनर्स। आज हम लोग 9 सेमेस्टर पास कर चुके हैं, 10वां सेमेस्टर चल रहा है। विद्यापीठ के वाइस चांसलर और लॉ फैकल्टी के डीन ये बात बोलते हैं कि आप लोगों का जो कोर्स बीएलएलबी ऑनर्स था वो बीएलएलबी ऑनर्स न होके बीएलएलबी रेगुलर है, मतलब शुद्ध रूप से हम लोगों के साथ फ्रॉड किया गया, झूठ बोल के बीएलएलबी ऑनर्स के नाम से पैसा लिया गया। इन लोगों को हम लोगों ने जब एडमिशन लिया था उसी के कुछ समय बाद लग गया कोरोना, जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया। बार काउंसिल ने ठीक उसी समय विद्यापीठ को एक लेटर दे के सूचना दे दी कि आपके यहाँ बीएलएलबी ऑनर्स की मान्यता आपके यूनिवर्सिटी को प्राप्त नहीं है, आप छात्रों को बता दीजिए कि बीएलएलबी रेगुलर का कोर्स है। और जो एडमिशन हो गया है और आने वाले दिनों में जो एडमिशन, जैसे हम लोग पहला बैच है, पहले बैच में बीएलएलबी ऑनर्स का हो गया, दूसरे में भी इन लोगों ने हमारे छोटे भाइयों को नहीं बताया, उसके बाद तीसरा बैच चला उसमें भी नहीं बताया, आज की डेट में 4 बैच चल रहा है, किसी को ये बात नहीं बताया इन लोगों ने विद्यापीठ द्वारा कि आपका बीएलएलबी रेगुलर का कोर्स है। ऑनर्स के नाम से पैसा लिए, ऑनर्स के नाम से परीक्षा लिए, आज अंतिम समय आ गया, डिग्री मिलने की बात आ गई, तो आप बोल रहे हैं कि बीएलएलबी रेगुलर है, आपका ऑनर्स का डिग्री नहीं है। हम लोग सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि इस तरह जो हम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है इस गलती को विद्यापीठ माने। दूसरा, विद्यापीठ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर पे लिख के भेजे बार काउंसिल को और उसे कहे कि ये आपके द्वारा बताई गई जो सूचना थी हम लोगों ने छात्रों को नहीं बताया, जिससे ही छात्रों का नुकसान हुआ। मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप बता दूं, आज हम लोग बीएलएलबी रेगुलर की डिग्री अगर मान के ले लेते हैं, कल को कोई भी नौकरी, कोई जज बनेगा, कोई रजिस्ट्रार बनेगा, कोई तमाम न्यायिक पदों पर सब जाने वाले छात्र हैं, कल को कोई जाएगा, अगर मामला ये फंस गया कि आपका एडमिशन तो हुआ था बीएलएलबी रेगुलर के नाम से, ऑनर्स के नाम से, और आप डिग्री लेके आए हो रेगुलर की, तो सर कौन जिम्मेदार होगा? विद्यापीठ के वीसी हैं, एकदम ऐशो आराम के जीवन जी रहे, उन्हें क्या पड़ी है? डीन है, वो धमकी। अच्छा, दूसरी बात, जाइए उनसे मिलने तो बोलते हैं कि ज्यादा नेतागिरी करोगे, तुम लोग ज्यादा बोलोगे तो मुकदमा करा देंगे, जेल डलवा देंगे, वीसी बोलते हैं और बंद करके मरवाएंगे, उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग कहूंगा मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। दूसरी चीज, हम ला के छात्र हैं, विधि के छात्रों को आप जेल की धमकी दे रहे हैं, कल को वहीं सबको जाना है। इस तरह बदतमीजी से जो कार्य करते हैं, सबसे पहले तो ये बंद कर दें। दूसरा चीज, बीएलएलबी ऑनर्स के नाम से अगर आप एडमिशन लिए हैं तो बीएलएलबी ऑनर्स की डिग्री दें, अगर नहीं दे पाते हैं तो अपनी गलतियों को स्वीकार करें और कंपनसेशन के रूप में हम लोगों को हमारा पैसा और हमारा फीस जो इतना ज़्यादा मनमानी वसूली किया गया इसे आप वापस करें, मेरी यही डिमांड है। इसकी वजह से हम लोगों ने 4 बार मिल चुके, नहीं बात सुनी, नहीं मानी गई, इसके लिए आज मजबूरन आप लोगों को बुलाते हुए, सारे भाइयों को बुलाते हुए ये कार्य करने के मजबूर हुए हैं। आगे रणनीति यही है कि अगर ये नहीं होता, ये नहीं मानते हैं, कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, माननीय राज्यपाल महोदय को पत्रक देंगे, ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इस तरह के पहले तो तानाशाही करते हुए छात्रों के साथ जो गलत करें ये बंद करें। पैसा ले रहे हैं तो जिस चीज़ का ले रहे हैं वो चीज़ दें। अगर बीएलएलबी ऑनर्स के नाम से आपने एडमिशन लिया, 500 छात्र ला के हैं, सबके जीवन के साथ आप कर दिए खिलवाड़। अगर रेगुलर में था तो आप बताते पहले कि रेगुलर का हमारे यहाँ कोर्स है, ऑनर्स है ही नहीं, जिसको पढ़ना होता हुआ नाम लिखवाता।
मेरे साथ यहाँ फ्रॉड हो रहा है, 5 साल से फ्रॉड होता आ रहा है, लेकिन इन लोगों ने एक बार भी ये नहीं समझा कि बच्चों का लाइफ है, आगे फ्यूचर है, उन्हें बताना सही समझे। उन्होंने हमसे, हम लोगों को व्हाट्सएप पे नोटिस भेजा कि आप लोग अपना रिजल्ट वापस करो, वो भी इलीगल नोटिस व्हाट्सएप। हाँ, उसके बाद हम लोगों को पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, देन हम लोगों ने जब एक्शन लिया, स्टेप उठाया कि नहीं, हमारा जो भी हित है हमारे हित में होनी चाहिए, हमारी जो फ्यूचर की चीज़ें हैं, ऑनर्स की जो डिग्री हमें नहीं मिल रही है, जो हमारे साथ फीस हमारा बहुत ज़्यादा लिया गया है, उसे सही किया जाए, तो उस पर हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है। और स्पेशली हम लड़कियों को डर बन चुका है इस बात का कि अगर हम आते हैं कैंपस में, फैकल्टी में, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो, ये बहुत बड़ा डर है हमारे ना, कि हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे सेफ्टी की बात है, लेकिन हमारे VC साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को जेल करवाया जाएगा। हमें, हमने अपने हित की बात की है। विश्वविद्यालय प्रशासन से, प्रशासन से ये डर है कि वो हम पे बोले जी। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव से डर है कि ये जो चीज़ें चल रही है, अगर हम आते हैं पढ़ने के लिए, अपना क्लास करने के लिए बेसिकली, तो उसमें क्या, हम यहाँ पे क्लास करने आ रहे हैं, हम अपना पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन कहीं उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को इस बात का डर लग गया है कि जिस तरीके से उन्होंने हमें धमकी दी है, हम लड़कों को, हम बच्चों को, लड़कियों को, जितने भी हमारे जूनियर्स हैं, हम सब सीनियर्स हैं, उन्हें इन बात का डर है कि वो कोई एक्शन ना ले लें।